जो अपने आप में अब तक का इतिहास के अंदर एक मिसाल है कि लोग अपने पैसे से खर्च कर एडवांस में अपना खर्चा देकर सभी लोग आज मूवमेंट में हैं। कुछ लोग ट्रेन में हैं, कुछ हवाई जहाज में हैं, कुछ बस में हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ रास्ते में हैं, कुछ आ चुके हैं और कुछ आने के लिए बेताब हैं। 500-600 आदमियों की मीटिंग का टारगेट रखा गया था दिल्ली के अंदर और 1000 से ज्यादा लोगों का कंफर्मेशन का रजिस्ट्रेशन हो गया, जो अपने आप में अब तक का इतिहास के अंदर एक मिसाल है कि लोग अपने पैसे से खर्च कर एडवांस में अपना खर्चा देकर और किसी ऐसी मीटिंग में आ रहे हैं जो मीटिंग में ना कोई राजनेता है, ना कोई राजनीति है, ना कोई पद है, ना कोई पोस्ट है, ना मंच है, ना माला है, ना माइक है, ना संगठन है और ना ही इसके बनने की दूर दूर तक उम्मीद है। लोगों का जो ये एक रुझान चल रहा है पूरे देश के अंदर और खाली दिल्ली में नहीं है, ये हर जगह जो चल रहा है, इसको आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक संघ की ताकत है, जिसको हम बार बार बोलते हैं संघं शरणं गच्छामि, वो ताकत जब हमें समझ में आती है जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब जब हमारे अस्तित्व पर खतरा आएगा, जब जब हमारी मौत हमारे करीब आएगी, तब तब हमें ये संघ बचाएगा और ये संघ ही है जो हमें हर मौत से बचा सकता है। ये प्राकृतिक सिद्धांत है, पहले भी ये सिद्धांत जीवन में लागू हुए हैं और अब भी। पर ये एक दुखद बात है कि हम संघ के में तब जाते हैं जब हमारे सर पर तलवार या हमारी गर्दन पर तलवार या हमारे गर्दन में फांसी का फंदा या हमारे बच्चे बिल्कुल मरने के कगार पर आते हैं। आज बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, जो आए हैं उनसे भी बातचीत हुई और पूरे देश के जो स्टेट की जो बातचीत है उससे ये निकल के आया कि अब जितने भी लोग हैं वो इस बात से परेशान हैं कि ये संगठन संगठन जो खेला जा रहा है, ये जो संस्था संस्था खेला जा रहा है, ये जो समितियां समितियां खेली जा रही हैं, ये जो अलग अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, ये अलग अलग जितने सारे एक ही देश के अंदर इतनी सारी संस्थाएं, अलग अलग देशों में संस्थाएं, एक राज्य में इतनी सारी संस्थाएं, अलग अलग राज्यों में इतनी संस्थाएं, इतनी इतनी राजनीतिक पार्टियां, इन सब से लोग त्रस्त आ चुके हैं और परेशान हो चुके हैं। इसलिए लोग खिंचे चले आ रहे हैं, इसलिए लोग बढ़े चले आ रहे हैं और इसलिए लोग जुट एकजुट होना चाहते हैं। वो ये समझ गए हैं कि अब हमें ही इकट्ठा होना पड़ेगा, नेताओं से, पदाधिकारियों से, या जितने भी संगठन के लोग हैं, या जितने भी संगठन हैं, या जितने भी तरह की कार्रवाई अब तक हुई हैं, उनका परिणाम कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारी जान बचा सके, और वो परिणाम ऐसे भी नहीं है जो हमारे अधिकार बचा सके या उन्होंने अधिकार बचाए हों, ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि आगे भी ऐसा कुछ होगा। चाहे वो राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो धर्म के बहुत सारे अलग अलग मठ या अलग अलग भिक्कू या अलग अलग भिक्कुणी या अलग अलग पदाधिकारी या अलग अलग संस्था है, या लड़कों के दलबल हैं, या जो लड़कों की पैंथर पार्टी, भीमसेना, आर्मी सेना, सेना सिपाही जितने भी हैं वो हैं, चाहे जितने भी लेखकों के संघ हैं, बुद्धिजीवियों के संघ हैं, या प्रोफेसरों के संघ हैं, या टीचरों के संघ हैं, चाहे वो कितने भी आर्थिक अलग अलग लोगों के संघ हैं, चाहे सामाजिक संगठनों के संघ हैं, चाहे वो कितने भी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके अलग अलग संस्था या एसोसिएशन या समितियां हैं, ये जितने भी तरीके थे ये लगभग सारे के सारे खारिज हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। इसलिए जो आखिरी उम्मीद है जो कभी फेल नहीं होती, और जब जब हमारे अस्तित्व पर खतरा आया है संघ ने हमको बचाया है, ये बात पूरी तरह से तय है। इसलिए सभी लोगों ने यह कहा कि अब संघ ही हमें बचाएगा क्योंकि यही हमारा आखिरी रास्ता है, और संघ कने कभी मायूस नहीं किया। पर यह है कि आप संघ को मायूस करेंगे तो संघ आपको मायूस कर सकता है। आप पहले ये देख लें कि आपको सबके साथ बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी पद प्रतिष्ठा के और बिना चंदा दिए, बिना पैसा खर्च किए साथ साथ संग संग आना है या नहीं आना है, या देर से आना है या सवेरे आना है, ये आपके ऊपर है। क्योंकि संघ के जो नियम हैं वो प्राकृतिक हैं, जितना देर करोगे संघ में आने में
उतना देर अपने सुख पाने में, उतना देर अपने बच्चों की जान बचाने में करोगे। जितनी जल्दी जुड़ जाओगे उतनी जल्दी जीत जाओगे, और जितनी जल्दी संग संग आ जाओगे उतनी जल्दी सारे के सारे सुरक्षित हो जाओगे, सारे के सारे बच जाओगे। ये बात बहुत पुरानी है पर यह तय है, और कमाल की बात है, यह आश्चर्य की बात है कि इस बात को काटने वाला एक सिद्धांत नहीं है पूरी दुनिया में। एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमको जुड़ने में या संग संग आने में या संग संग जाने में या संग संग रहने में या संग संग खाने में या संग संग पीने में कोई एक भी नुकसान है। एक व्यक्ति यहाँ एक साल से ज्यादा दिन हो गए, एक साल 10 दिन हो गए, और एक साल 10 दिन में 375 दिन में एक सिंगल आदमी, एक सिंगल संगठन, एक सिंगल नेता, एक सिंगल कोई राजनीति, या एक सिंगल कोई विरोधी, या एक सिंगल ऐसा जो यहाँ आया हो, लड़ा हो, खूब लड़ा, खूब सारी बातें हुई, पर यह नहीं कहा उसने कि जो संघ का सिद्धांत है वो गलत है। किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं आई। ये वो सिद्धांत है जिस पे दुनिया की कोई व्यक्ति, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि ये खराब है। जब इतना बढ़िया सिद्धांत है कि जिसको विरोधी भी ये कहते हैं कि यही सिद्धांत है, जिसको विरोधी भी अपनाते हैं, जिसको सारी दुनिया के लोग अपनाते हैं, हमें कौन सी आफत आ रही है? सिद्धांत तो हमारा है, हमें क्यों देर करना है? हम कहाँ फंसे हुए हैं? जब हम इस बात को तय करते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, तो पता चलता है कि साधारण लोग तो इकट्ठा होना चाहते हैं, और कल जो आ रहे हैं और जो रजिस्ट्रेशन कराया है सारे साधारण लोगों ने कराया है। जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। उनके जो फोन आ रहे हैं, क्योंकि फोन नंबर सब पे जा रहे हैं, तो वो फोन इस बात के आ रहे हैं कल आपकी संगति है, क्या करने वाले हो, कितने लोग आ रहे हैं। तो फोन तो यहाँ सबके जाते हैं, जैसे यहाँ 10-12 फोन नंबर मेरे दाएं बाएं लिखे हुए हैं, ऐसे हम किसी का फोन भी डाल देते हैं जो भी थोड़ा काम करता है। यहाँ कोई भेदभाव तो है नहीं, जो कहता है कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ फोन अटेंड करेगा, उसी का फोन डाल देते हैं, अगर थोड़ा भी वो समझदार है, सवाल जवाब कर सकता है या सवाल जवाब के लिए तैयार है तो फोन करते हैं। तो वो जो पूछते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, तो पूछते हैं ये जो आपके लोग हैं कितने लोग आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल होता है कितने लोग आ रहे हैं, कहते हैं जी सब बता देते हैं, सीधे साधे कहते हैं जी 1000 का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 1000 लोगों ने अपने 310 रुपये भेज दिए हैं, कन्फर्मेशन है, तो 1000 तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा अगर 30-40-50 किसी हारी बीमारी से ना भी आ पाए, कोई घर में मौत हो गई, कोई बीमार हो गया, किसी की गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी छूट गई, तो 150 लोग वैसे पड़ जाते हैं, तो 1200-1300 लोग हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दिल्ली आसपास के हैं वो हाथ के हाथ आके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो 1200-1300 लोग हो जाएंगे, कन्फर्म है। फिर वो कहते हैं अच्छा जी आपका उद्देश्य क्या है, तो उनको बताते हैं बड़े विनम्र तरीके से, जी उद्देश्य तो हमारा इकट्ठा होकर सुख प्राप्त करना है, जो हमारे अधिकार चले गए वैसे कैसे प्राप्त करोगे, क्या होगा, क्या करना है, क्या बात, सारी बातें उनको फोन पे चाहिए। पर वो अंतिम बात पे आ जाते हैं जिस बात के लिए वो फोन करते हैं, हमको 5 मिनट मिलेंगे बोलने के लिए, मैं फलाना हूँ फलाना हूँ फलाना हूँ फलाना हूँ फलाना हूँ, वो अपना बहुत बड़ा विटिंग कार्ड बताते हैं, फिर कहते हैं हमको 5 मिनट मिलेंगे बोलने के लिए। अरे भाई 5 मिनट की बजाय आप 50 मिनट ले लो, आप 500 मिनट ले लो, खूब बोलो, बोलने से कौन रोकता है, पर ये तो बता दो भाई कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं, 29 लाख संगठन हैं, 29 लाख अध्यक्ष हैं, 29 लाख जनरल सेक्रेटरी हैं, 29 लाख कैशियर हैं, 29 लाख सचिव हैं, 29 लाख पदाधिकारी हैं, जिन्हें और जिन्हें कितने सारे लाखों लाखों जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, वो बने हुए हैं, सब जगह बोलते हो, और जब बाबा साहब का जन्मदिन आता है तो पूरे महीने बोलते हो, इतनी सभाएं लगती हैं कि वहां बोलने वाले कम पड़ जाते हैं, बेशक लाखों बुद्धिजीवी बोलने वाले हैं फिर भी कम पड़ जाते हैं, फिर वो बुद्ध पूर्णिमा आती है उस पर खूब बोलते हैं, बीच बीच में कार्यक्रम लगते रहते हैं, भाई कितना बोलोगे और क्या बोलोगे, और बोलने से कौन सा चमत्कार हो रहा है, और बोलने से कौन से अधिकार आ रहे हैं, भाई बोलने की जरूरत कहाँ है, कौन सा विचार दोगे, कौन सा नया विचार लाए हो। बाबा साहब के 3 विचार हैं, क्या है, ऑर्गेनाइज होना है, एजुकेट होना है और एजुटेट होना है। बुद्ध के 3 विचार हैं, बुद्ध की शरण में जाना यानी बोधि की शरण में जाना है, बोधि को अपनाना है, धर्म प्राकृतिक नियमों को अपनाना है और संघ में जाना, इकट्ठा होना है। महापुरुषों के क्या विचार है, भैया इकट्ठे रहना, संगत में रहना, साधु संगत करो, और सतनाम है यानी कि अपना सत काम करना है, अच्छे काम करने हैं, वही धर्म की बात है। तो सारी बातें तो वो बताते हैं, ये 3 कॉमन बातें हैं, इसमें से कोई एक बात पकड़ लो, और कुछ ना हो सके, अगर बोधि सीखने में दिक्कत आती है, जागृत होने में दिक्कत आती है,
एजुकेट होने में दिक्कत आती है, तो भाई ऑर्गेनाइज होने में तो दिक्कत नहीं आती, इकट्ठे होने में तो दिक्कत नहीं आती। महापुरुषों का ये विचार है, इसी विचार को महापुरुषों ने सबने अलग अलग बताया है। भाई आप कौन सा नया विचार लाओगे? एक बता दो कि जितने बुद्धिजीवी है क्या वो ये कहते हैं कि हमको संगठित नहीं होना चाहिए? सारे बुद्धिजीवी एक बात बता दो, क्या बिना संगठित हुए कोई काम कर लोगे? जितने दुनिया के हमारे बुद्धिजीवी हैं जो बाबा साहब से भी ज्यादा डिग्री लेके आ रहे हैं और खूब धनाधन डिग्री ले रहे हैं, भाई एक बात बता दो, क्या बिना इकट्ठे करे कोई सा काम हो सकता है पूरी दुनिया में? क्या संघ बनाने की आवश्यकता नहीं है? क्या इकट्ठे होने की आवश्यकता नहीं है? क्या इकट्ठे होने का विचार को विचार नहीं मानते? क्या इकट्ठे होने के काम को काम नहीं मानते? या इकट्ठा होना ये मानते हो कि भाई तुम इकट्ठे हो जाओ बाकी काम हम करेंगे? तो इतना इतना सा काम है कि सिर्फ इकट्ठा होना है, ये विचार है तो बोल के क्या क्या करना है? 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, 50 मिनट ले लो। ये पोर्टल खुला हुआ है, ये 1 साल 10 दिन से ये पोर्टल चल रहा है। इसमें कई के दिन में 3-3 सभाएं होती हैं, महिलाओं के लिए चलती है। खूब बोलो, कौन मना करता है? पर बोलने से कुछ अधिकार तो बचना चाहिए, बोलने का फायदा जब है तो खाली बोल के अधिकार बचते होते तो अब तक तो 100 बार अधिकार बच गए होते, 1000 बार अधिकार बच गए होते, बल्कि अधिकार बढ़ गए होते। बोलने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बोलने का मतलब है कि जो महापुरुषों ने बोला है उस पर चलना, क्योंकि महापुरुष खुद चले हैं। बाबा साहब ने जो कहा है और जो बोला है, बोला बाद में है, कहा बाद में है, लिखा बाद में है, पहले किया है, पहले किया है तब लिखा है, पहले किया है तब बोला है। बुद्ध ने तो पूरी जीवन भर किया ही किया है, और जो करते थे तभी तो तथागत बोलते थे। तथ्य पे आगत, यानी जो तथ्य है, जो तत्व उन्होंने सीख लिया है उस पे आते थे वो, उस पे आगत होते थे तो उनको तथागत बोलते थे। उन्होंने कभी भी बात पहले बोली नहीं, पहले बात की है फिर बात बोली है। जब तक उन्होंने खुद पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर लिया कोई बात नहीं बोली। और जितने भी साधु संत हैं उन्होंने पहले खुद पे उस पे अमल किया है, खुद चले हैं उस पे, फिर लोगों को शिक्षा दी है। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ शराब के 2 पैक लगा के आता है और कहता है सुरा मेरे मज्जे पमादि ठाना वेरमणि सिखा बोधम समाधिया। अरे भाई शराब पी के तुम शराब ना पीने की कौन सी नसीहत दे रहे हो, कौन सा धम सिखा रहे हो? बस शराब छोड़ दो, हम तो वैसे सीख लेंगे। तो चोरी करने का जब होता है कि अदन्य दाना वेर मणि, तो साफ साफ कहा हुआ है भाई चोरी नहीं कर, चोरी कर करके तुम घर बन लोगे, उसके बाद कोई चोरी मत करो। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ लोग धनातन विचार पे विचार दिए जा रहे हैं और सुविचार नहीं दे रहे हैं, कुविचार दे रहे हैं। कुविचार जिस पे खुद नहीं चलते वो विचार दे रहे हैं। हमारा बेड़ा गर्क होना तो निश्चित है, हमको विचारों की आवश्यकता नहीं है, हमको जो महापुरुषों के विचार हैं उनपे अमल करने की आवश्यकता है। और सारे विचारों पे अमल मत करो भाई, एक विचार पे अमल कर लो बस, संघं शरणं गच्छामि। फिलहाल हमारा अस्तित्व खतरे में है, हमारी जान खतरे में है, हमारे बच्चे खतरे में है, हम खतरे में हैं अगर हम सिर्फ एक विचार पे चल जाएंगे। और वो सबसे आसान है, उस विचार के लिए ना तो आपको डिग्री लेनी है, ना आपको शराब छोड़नी है, ना आपको जुआ छोड़ना है, ना आपको तंबाकू छोड़ना है, ना आपको खैनी छोड़नी है, ना आपको फैनी छोड़नी है, ना आपको कोई अलग से एक्सरसाइज करनी है, क्या इकट्ठे होना है बस। कितना आसान विचार है कि बस खाली इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होने से जान बच जाएगी, और जान बच जाएगी तो बाद में शराब छोड़ लेना, जान बच जाएगी तो खैनी छोड़ लेना, जान बच जाएगी तो फैनी छोड़ लेना, पर जान तो बचाओ। अगर जान नहीं बचेगी तो कुछ छोड़ने लायक रहोगे भी नहीं, वैसे मर जाओगे तो फायदा क्या करेगा? इसलिए एक जो विचार है संघ में इकट्ठा होने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संघं शरणं गच्छामि जो करता है, जो संघ की शरण में जाता है, जो इकट्ठा होता है, वो सारी मुसीबतों से बच जाता है। आपने देखा होगा कि जब भूकंप आता है तो भूकंप में जैसे ही घर हिलता है तो सारे लोग सारी चीजें छोड़ के घर के बाहर भागते हैं और सब एक मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। वो मैदान में बिखर भी सकते हैं पर मैदान में इकट्ठे होते हैं सारे सारे, क्योंकि मुसीबत में सब साथ रहना चाहते हैं। कहीं अगर बिल्डिंग गिर जाए भूकंप से, या कहीं कोई बिल्डिंग वैसे गिर जाए, तो सारे लोग इकट्ठे होकर एक साथ आते हैं, कह बाकी काम बाद में करेंगे, पहले मलबा हटा के देखो कोई जीवित है तो उसे बचा लो वहां, सिर्फ ये, फिर बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ये ठीक वैसी इमरजेंसी है कि आपके बहुत विद्वान हो सकते हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, आप बहुत जानकार हो सकते हैं, आप बुद्धिजीवी हो सकते हैं, आप कमजोर हो सकते हैं, आप नेता हो सकते हैं, आप अभिनेता हो सकते हैं, आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हो सकते हैं, आपने छोटे काम किए हो सकते हैं, पर भाई जिंदे रहोगे तब ये बात रहेगी ना, पर जिंदे नहीं रहोगे तो ये सब चीजें बेकार हैं। इसलिए जब जिंदे रहने का प्रश्न आता है, जब अस्तित्व का प्रश्न आता है, तब संघ आता है। और ये संघ इसलिए इस समय निकला है बाहर, और ऑटोमेटिक निकला है, किसी निकाला नहीं है,
कोई इसका ऐसा नहीं है, कोई इसका संस्थापक है, कोई निकालने वाला है या कुछ है, नहीं। ये तो नेचुरली आया है क्योंकि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब संघ आता है, तब संघ शक्ति देता है। अगर हमारे जो बाहर लोग हैं, जो विदेश में लोग हैं, अगर वो सारे एक साथ हो जाएं और एक संस्था बनाएं, तो वो सारी जो संस्था एक जब बनेंगी तब भारत में उसका इम्पैक्ट होगा। तब वो भारत के लोगों को कह सकते हैं कि भाई तुम इकट्ठे हो जाओ। पर अगर वो खुद ही टूटे रहेंगे अलग अलग में, तो किसको नसीहत देंगे? किसी ने यहाँ मुंह उठा के कह दिया, अरे भाई आपकी इतनी संस्था है, पहले आप इकट्ठे हो जाओ, तो क्या जवाब दोगे? जवाब खत्म हो जाएगा। संघ में हमने सब लोगों से कहा है कि वे सारे इकट्ठे हो जाओ। अगर संघ को संगठन बना दिया तो हम किसी को क्या कहेंगे? वो कहेंगे तुम्हारा भी संगठन है, हमारा भी संगठन है। इसलिए संघ कभी संगठन नहीं बन सकता। कई लोग कोशिश करते हैं पर ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं और ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए जितने भी लोग आ रहे हैं और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं और जो लोग धनाधन धनाधन चल रहे हैं, उनकी ये खास बात है कि वो संघ का जो पुराना बीज उनके अंदर था वो अंकुरित हो गया। उनको समझ में आ गया संघ है जो हमें बचाएगा। उनको समझ में आ जाएगा कि संघ में शक्ति होती है। उन्हें समझ में आ गया है कि संघ ही वो चीज है जिसने हमारे महापुरुषों ने सब कुछ बचाया था। और उन्हें आज ये बात समझ में आ गई कि क्यों बुद्ध ने ये तीन बातें कही, क्योंकि बुद्ध कहते खाली बोधि की शरण में चले जाओ, बात खत्म हो गई। उनको तो बोधि सिखानी थी, बोधि सिखाती, पर लोग समझ नहीं पाए कि उन्होंने बोधि के साथ साथ धम्म की शरण भी कहा है और धम्म के साथ साथ संघ की शरण भी कहा है। खाली बोधि की शरण बोलते, धम्म की शरण बोलते, बात खत्म हो गई, क्योंकि वो तो धम्म सिखाते थे। पर धम्म सिखाने के साथ साथ वो इकट्ठा होने के लिए बोल रहे हैं, तो भाई कोई तो खास बात होगी। बुद्ध जैसा व्यक्ति अगर आपको बोधि के लिए कहता है, अगर आपको धम्म के लिए कहता है और संघ के लिए भी कहता है, तो संघ में ना तो वो बोधि के लिए बोल रहे हैं और ना धम्म के लिए बोल रहे हैं, संघ में इकट्ठा होने के लिए बोल रहे हैं, तो कोई खास बात तो होगी। उस खास बात को समझो और इकट्ठे होकर देखो। इसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो पुराना है सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। जो अभी आसपास के और लोग हैं वो आ सकते हैं, वो आए, और जो नहीं आए हैं अभी तक वो उनको बोल रहे, कोशिश करें कि आए, क्योंकि कार्यक्रम लगातार लगते रहेंगे। कल सब सफेद कपड़े पहन के आए, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा उसके बाद है। 15 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या है और हम संगम शरणम गच्छामी वहीं पर करेंगे। तो 9 से 10 बजे तक हम संगम शरणम गच्छामी करेंगे। वहां कुछ भिक्खु भी आ रहे हैं जो अपने आप आ रहे हैं, हमने बुलाए नहीं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि संघ में रहना है, इसलिए बिना इन्विटेशन के आ रहे हैं, यानी खिंचे चले आ रहे हैं। एक भिक्खु ने तो अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, कह रहा जी नहीं मैं वहां आऊंगा। तो हमने कहा भंते आपको तो यहाँ 310 रुपये देने पड़ेंगे। कह रहे जी मैं लेके आ रहा हूँ 310 रुपये और मैं वहां आऊंगा और सबसे पहले मैं वहां रहूंगा। ये संघ के नियमों को भिक्खु भी मानने को तैयार है। कौन खत्म करेगा ऐसे संघ को जिसके संघ के नियम को खुद भिक्खु भी मानने हैं? भिक्खु खुद कह रहे हैं कि हम 310 रुपये अपना जमा करेंगे, कौन खत्म करेगा ऐसे संघ को? ये बुद्ध का बनाया हुआ संघ है, ये बुद्ध से पहले हमारे महापुरुषों का संघ है। ये कितना जबरदस्त संघ है और ये संघ अब हमारे पास है। इस संघ में अब हम सारे के सारे हैं और ये संघ दिन दूनी रात चौगुनी से पड़ेगा और इतनी मीटिंग और इतना काम चलेगा कि आपको ताज्जुब होगा कि संघ में ताकत कितनी होती है। क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी स्पर्धा होती है कि मैं भी करूं, मैं भी करूं, मैं भी करूं, सेवा मैं भी दूं, मैं भी दूं, मैं भी दूं, संघ से मैं भी जुड़ूं, संघ में मैं भी कोई सेवा दूं। ये जो प्रतिस्पर्धा है ये संघ को बहुत तेज से आगे लेके जाती है और वो शुरू हो गई है। आप देखिए कि धीरे धीरे होता क्या है। छोटी मोटी कमियां हैं उनको हम कल की मीटिंग में दूर करेंगे और फिर जो बाद में कमियां आएंगी उनको बार बार दूर करेंगे। इसलिए जो लोग रास्ते में चल रहे हैं वो सावधानी से आए हैं, जो लोग आ गए हैं वो सावधानी से रहे हैं, सब मौज मस्ती से रहे हैं, वहाँ परिवार की तरह माहौल रहेगा, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बस अगर हमें समझ में आ गई है तो हमें समझानी है कि पूरी दुनिया में हमको एक ही तरह का संगठन बनाना है, एक ही तरह का संघ बनाना है, एक ही साथ रहना है, अलग अलग नहीं रहना है। क्योंकि अलग अलग हम जहां भी रहेंगे पिटेंगे जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। और संघ संघ हम जहां रहेंगे वहां पीटेंगे जरूर, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो संघ संघ साथ साथ रहते हैं वो पीटते हैं और जो अलग अलग रहते हैं वो पिटते हैं। तो पिटने वाले हैं बनना है या पीटने वाला बनना है? या ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग रहते हैं वो दुखी रहते हैं और जो साथ साथ रहते हैं वो सुखी रहते हैं? तो दुखी बनना है या सुखी बनना है? या यूं कह सकते हैं कि जो साथ साथ और संग संग रहते हैं वो अमीर बनते हैं और जो अलग अलग रहते हैं वो गरीब बनते हैं? जो गरीब बनते हैं तो आपको अमीर रहना है या गरीब रहना है? या यूं कह सकते हैं कि जो साथ साथ रहते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं और जो अलग अलग रहते हैं वो दुर्बल बनते हैं? तो दुर्बल रहना है या गरीब रहना है? या यूं कह सकते हैं कि जो अलग अलग रहते हैं उनके बच्चे मारे मारे फिरते हैं और जो साथ साथ रहते हैं उनके बच्चे दुनिया में मौज करते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं? तो बच्चों को मौज करानी है या बच्चों से कूड़ा बीनने वाला बनवाना है? तय आपको करना है कि कितनी जल्दी ये काम करना है, क्योंकि संघ के नियम साफ हैं।
जो जितनी जल्दी जुड़ेगा उतनी जल्दी संघ उसको सब कुछ देगा, और जो जितनी देर लगाएगा उसको उतनी ही देर बाद में होगी। संघ के नियम किसी के लिए बदल नहीं सकते, इसलिए जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी संघ आपको सब कुछ दे देगा, और नहीं जुड़ेंगे तो संघ पे कोई आरोप नहीं है, क्योंकि संघ हमेशा तैयार है। जब भी आप जुड़ेंगे, जब भी आप इकट्ठे होंगे, संघ आपके लिए 24 घंटे सेवा के लिए तैयार है। इससे बड़ा सेवादार पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जिन जिन लोगों ने सेवा इस सेवादार संघों को अपनाया है वो मौज कर रहे हैं, और जिन्होंने संघों को छोड़ दिया उनकी मौजें चली गई। जीते वही जो संघ में थे, और हारेंगे हमेशा वही जो संघ में है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Peace.